हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र की सोलापुर की फेमस चटनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हर खाने के स्वाद को दोगुना कर सकती है। आपके घर में कोई सब्जी ना हो, आप इस चटनी के साथ भी आराम से रोटी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम मूंगफली की चटनी बनाना, जिसको महाराष्ट्र में सिंग दाने की चटनी भी कहा जाता है। ये अधिकतर बड़ा पाव के साथ सर्व की जाती है और खाने के स्वाद को दुगना कर देती है। फ्रेंड्स, जब हम चटनी बनाएंगे तो आप देखेंगे इस चटनी का टेक्सचर बिल्कुल अलग है। आपने ऐसी चटनी आज तक नहीं खाई होगी। हम इस चटनी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, इस चटनी के बहुत सारे यूजेस हैं। आप सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए भी इस चटनी को सब्जी में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप दही में भी इस चटनी को मिलाकर आसानी से खा सकते हैं। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का कर रहा हो तो ऐसे ही आप एक चम्मच निकाल के इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए फटाफट से इसको बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है और देखने में कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ और बनाते हैं महाराष्ट्र की फेमस सिंगदाने की चटनी। फ्रेंड्स, अब हम सिंगदाने की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कप मूंगफली दाने। ये मूंगफली दाने पहले से ही थोड़े से भुने हुए हैं और इनका छिलका उतार लिया है। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मूंगफली दाने भुने हुए हैं, लेकिन सिंगदाने की चटनी बनाने के लिए ये मूंगफली दाने थोड़े अच्छे से भुने हुए नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको वापस से भून रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते हुए हम मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम एक पूरे लहसुन को लेंगे और उसको छील के इसमें ऐड कर देंगे और इन लहसुन की कलियों को भी मूंगफली के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कढ़ाई में कोई तेल या घी नहीं डाला है, अभी तक हम बिल्कुल सूखा ही इसको रोस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और जीरे को भी इसके साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से भुन जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। फ्रेंड्स, ये लाल मिर्च बहुत तीखी है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा तीखा आप खाना चाहते हैं उसी प्रकार से आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अपनी मूंगफली सिंग दाने को और अपने मसाले को जो हमने भून के रखा है उसको इस मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जो भी ऑयल आप खाते हो उस ऑयल को ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। आप जितना सिंग दाना ले रहे हो उसी हिसाब से ऑयल को ऐड कीजिए। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मिक्सी का ढक्कन बंद करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चटनी पिसके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस चटनी को आप रोटी, सब्जी, नान, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और जब आपको चटपटा खाने का मन हो तो ऐसे भी इस सब्जी को
ऐसे भी इस चटनी को एक चम्मच निकाल के आप ऐसे भी नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा ना ये चटनी बनाना कितना आसान है। सोलापुर की फेमस चटनी आपने क्या कभी खाई है? नहीं खाई है तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने सभी चटनी खाई है और सोलापुर की ये फेमस सिंह दाने की चटनी नहीं खाई है तो आपने चटनियों के नाम पे कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि ये चटनी इतनी टेस्टी होती है आप एक बार बनाएंगे 10 बार खाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।